अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको रमज़ान का मुबारक महीना बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएं और हमारे तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा माफ़ फरमाएं, आमीन सुमामी। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे चिकन समोसे जो बहुत ही इजी रेसिपी है, तो आइए शुरू करते हैं। हरा प्याज 1 पाव, चिकन कीमा 1/2 kg, धनिया 1 कप, हरी मिर्ची 4, पुदीना 1/2 कप, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून और गरम मसाला 1/2 टीस्पून। ये आटे की लई बनाई है मैंने और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। ये समोसा शीट्स ली हैं मैंने। अब एक फ्राइंग पैन में हम 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें हम ये चिकन का कीमा ऐड करेंगे, 1/2 kg है, और इसको हम जब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर वाइट ना हो जाए। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे भूनते रहना है। बस चिकन ने अपना पानी रिलीज किया है और इसका कलर टोटली वाइट हो चुका है। अब इसमें हम ये जिंजर गार्लिक ऐड करेंगे, इसको भून लेंगे। और इसको कवर कर देंगे। व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे लो फ्लेम पर पकाया है और चिकन का पानी अब बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इसमें हम तमाम मसाले ऐड करेंगे। सब मसाले और नमक ऐड कर दिए मैंने और हरी मिर्चें, 4 अदद हरी मिर्ची ली थी, फाइनली चॉप किया था उनको मैंने। अब इन सबको अच्छी तरह से कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ये हरा प्याज ऐड कर देंगे, 150 ग्राम ये हरा प्याज है, यानी तकरीबन आप समझ लें 1/2 पाव, और ये 1 कप धनिया, फ्रेश धनिया, पुदीना 1/2 कप, इन सबको मैंने ऐड कर दिया। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम और 1 से 2 मिनट मज़ीद हमें इसे कुक करना है। बस ये अब बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे, फिर इसे समोसा शीट्स में डालेंगे। बस ये शीट्स मेरी होममेड है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। मैंने इस शीट को ट्रायंगल शेप दिया और इसमें ये 2 टेबल स्पून फिलिंग ऐड कर रही हूँ, आप जितनी मर्ज़ी उतना ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा प्रेस करके अब इसको हम इस तरह से बंद करेंगे और इसमें ये आटे का पेस्ट लगाएंगे। आप अंडा भी यूज़ कर सकते हैं और इसको इस तरह से बंद कर देंगे। इस तरह ये समोसा रेडी है, इस तरह से ट्रायंगल शेप देना है आपने और फिर इसमें ये फिलिंग ऐड करेंगे। कुछ लोग कम ऐड करते हैं फिलिंग और कुछ ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस तरह आपकी मर्ज़ी। इस तरह से करके हमने इसको आटे का पेस्ट लगा के बंद करना है और इस तरह से हम ये सारे समोसे
रेडी कर लेंगे। वेवर्स, इस तरह से हम ये सारे समोसे रेडी कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। वेवर्स, इनको फ्रीज करने का तरीका ये है कि पहले आप इनको एक ट्रे में एक एक करके रखें और उनको फ्रीज़ कर दें, फिर उनको निकाल कर एक जिप लॉक बैग में डालकर 1 मंथ के लिए आप फ्रीज़ कर सकते हैं। वेवर्स, मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। आप इसमें ये समोसे डालेंगे। हम ज़्यादा समोसे मत ऐड करें, जितनी गुंजाइश हो उतने डालें, और ताकि ये आराम से फ्राई हो सकें। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है ताकि ये जले ना और डार्क कलर ना हो ज़्यादा इनका। ये समोसे फ्राई हो गए हैं, इनको अब निकाल लेंगे। इनका साइड चेंज कर दिया मैंने। व्यूअर्स, चिकन के समोसे बिल्कुल रेडी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। रमज़ान के इस मुबारक महीने में मुझे अपनी दुआ में याद रखें और मेरी वीडियोस देखते रहें। नई नई वीडियोस आने वाली हैं। अल्लाह हाफिज़।